शिबरामऊ से खबर है। विशुनगढ़ के रहने वाले एक दलित युवक ने एसपी को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि क्षेत्र के एक भाजपा नेता ने उसे फोन पर जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने भाजपा नेता के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। विशुनगढ़ कस्बा निवासी नेम कुमार उर्फ पुच्चू पुत्र सुखवासी लाल ने बताया कि गांव के ही एक स्वर्ण कार पर उसके 17,000 रुपए बाकी हैं। क्षेत्र के गांव निवासी भाजपा नेता ने उसे फोन पर जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। उसने थाना अध्यक्ष को मोबाइल फोन पर दी गई धमकी की रिकॉर्डिंग सुनवाई। उसके बाद भाजपा नेता के खिलाफ तहरीर देकर थाने में कार्यवाही की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उसे एसपी को शिकायती पत्र देना पड़ा। उसने बताया कि दबंग भाजपा नेता के भाई के चलते पिछले 4 दिनों से वह अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा, जिससे उसे अब अपने परिवार के भरण पोषण में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने एसपी से मामले की जांच कराकर आरोपी भाजपा नेता के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई। नाम नेम कुमार, मैं मिश्रण का निवासी हूँ और मेरे अतुल वर्मा सुनार से पैसे थे। उसके 2 महीने पहले मैंने थाना अध्यक्ष को अप्लीकेशन लिख के दिया था, मेरे 37,000 रुपये उससे थे। 37 उसी दिन उसने मेरे 20,000 रुपये दे दिए थे, 17,000 रुपये रह गए थे। उसके बाद 27 तारीख को मैंने उनके पास कॉल किया। उसके 2 महीने बाद मैं 27 तारीख को मैंने कॉल किया, हमने कहा अतुल भाई मेरे पैसे दे दो। उससे पहले क्या अभी वो उसने मुझे धमकी दी, अभी दामबक नेता जी से तुम्हारी बात करवा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले 8 दिन पहले रामबक नेता जी ने मुझे दुकान पे आके धमकी दी, गाली गलौज किया और बोला अतुल अब मेरा आदमी है, उससे पैसे तू नहीं मांगेगा। 27 तारीख को पैसों की जरूरत पड़ी, हमने कहा लाओ मेरा पैसा है किसी से ले लें, तो हमने उनसे लिए पैसे लिए। हमने उनसे 2:30 पे फ़ोन किया, हमने कहा अतुल जी पैसे मेरे दे दो मुझे। बोले अभी रुको, हम नेता जी से तुम्हारी बात करवा रहे हैं। उसके 10 मिनट के बाद रामबक्स लोधी जो है हमारे मोबाइल पे उसकी कॉल आती है। 6 कॉलें हमने रिसीव नहीं की, 7वीं कॉल हमने जैसे भी रिसीव की तो मुझे गाली गलौज धमकियां देने लगा। उसमें रिकॉर्डिंग उसका पूरा मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उसकी 3 मिनट और 20 सेकेंड की रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास। दीदी बोला तुझे दुकान पे आके मारेंगे और तुझे पूरे चौराहे से लेते हुए तुझे मार्केट में अतुल की दुकान तक मारते हुए ले जाएंगे। रामबक्स लोधी जो बिस्वण पुलिस थाना का दलाल है, 8-10 सालों से पता कराया जाए बिस्वण के अंदर, तो ये नंबर एक दलाली, इसका पूरा काम है इसका दलाली करना। बिस्वण में कोई विवाद होता है, किसी की कोई जगह जमीन बने तो इसको बस उसमें पैसा चाहिए, दलाली हमेशा दलाली के चक्कर में रहता है। मेरा काम फोटो स्टूडियो का है और मिनी बैंक का भी काम करता हूँ, पैसे डालने निकालना काम करता है। अतुल ने आज के 4-6 महीने पहले हमसे ट्रांसफर कराया था पैसा, तो किसी ने फ़ोन किया भैया पैसे डाल दो कुछ, अभी तुम्हें दे रहे आके, मैंने इसके डाल दिए। इसने देते देते मतलब यह सिलसिला चलता रहा। 17,000 मेरा लास्ट रह गया था, हमने कहा दे दो, फिर इसने कही अभी लो मैं इधर उधर नेताजी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ये पार्टी क्या लिखा के रखा है, बीजेपी नेता, गाड़ियों में इसकी गाड़ी मोटर है, बिजनू जनता को उसने भयभीत कर रखा है। जैसे वो निकलेगा गांव से मोटर बजाते हुए निकलेगा, स्विफ्ट में भी है, इसके डिजाइन में उसमें हीटर लगा है और फॉर्चूनर है उसमें भी। हमारी बात को दबाया जा रहा है क्योंकि मैं एक दलित हूँ और इससे अगर 8 दिन के अंदर मुझे अगर इसकी मुकदमा मेरा या इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या करूँगा।